approximate returns in debt, equity, and balance advantage funds? Sir, from a pure equity funds, we expect around 14 to 15% kind of a return. That is a bare expectation we expect from a fund to perform, because the long-term average of Nifty, Sensex is all above that only. And from a debt fund, we expect to, if I have to go a number of next 3 years, so I would expect around 6-6.5% from a debt fund. And from a balance advantage fund, a reasonable expectation should be 9 to 11%, because they are not pure equity, pure debt. So they keep on reducing or increasing the equity allocation as per the situation. So reasonable ask would be 9 to 11. एक बार थोड़ा बिल्कुल आप बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बता देंगे? श्योर सर. बैलेंस एडवांटेज फंड्स एक ऐसी कैटेगरी है विच में सूट दी पीपल, जो लोग रीएलोकेशन खुद से नहीं कर सकते, और बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू रीबैलेंस इट्स पोर्टफोलियो एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम. सो बैलेंस एडवांटेज फंड्स आर दी कैटेगरी इज दी कैटेगरी जहां पर इक्विटी और डेट के एलोकेशन को डेली और मंथली रीबैलेंस किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द इक्विटी वैल्यूएशन कि आज इक्विटीज महंगे हैं, मार्केट्स महंगे हैं या सस्ते हैं. इसके मॉडलिंग के जो आंसर्स होते हैं उसके बेसिस पे दे एलोकेट इनटू इक्विटी. लेट्स से आई जस्ट गिव यू अ नंबर, जो उससे आपको एक आइडिया होगा. देर आर लॉट मेनी बैलेंस एडवांटेज फंड जिनका मार्च पेंडेमिक पीरियड था, तो इक्विटी एलोकेशन वॉज 70%. एंड राइट नाउ द सेम फंड्स हैव अ एलोकेशन ऑफ अराउंड 35 to 40%. सो दैट इज हाउ दे रीबैलेंस. व्हेन मार्केट्स वर डाउन दे वर एग्रेसिव ऑन इक्विटीज, एंड व्हेन टुडे व्हेन मार्केट्स हैव रिकवर्ड अ लॉट एंड आर गिविंग वेरी वेरी वंडरफुल रिटर्न्स, देन दे हैव रिड्यूस द इक्विटी एक्सपोजर टू क्रिएट अ बैलेंस सो दैट योर रिस्क शुड बी एडजस्टेड. सो दे आर ऑटो डायनेमिक फंड्स. दे यूजली इन्वेस्ट इन टू इक्विटी, इक्विटी आर्बिट्राज एंड डेट. दिस इज द थ्री मिक्सचर दे यूज टू क्रिएट, बट डेफिनेटली दे विल क्रिएट अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी आर्बिट्राज टू द ट्यून ऑफ 65% टू गेट यू ऑन इक्विटी टैक्सेशन. हाइब्रिड फंड्स आर द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी अगेन. द ओनली थिंग हेयर इज पीपल मे गेट कंफ्यूज फ्रॉम बैलेंस एडवांटेज फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स. हाइब्रिड फंड्स यूज टू इन्वेस्ट 65% इन टू इक्विटी एंड 35% इन टू डेट. बैलेंस एडवांटेज फंड यूज टू इन्वेस्ट इन टू इक्विटी, इक्विटी आर्बिट्राज एंड डेट. सो दैट्स हाउ दे क्रिएट अ 65% ऑफ इक्विटी. इन हाइब्रिड फंड्स दे आर फिक्स एट 65% इक्विटी एंड 35% डेट, विच दे मे इंक्रीज अप टू 10% हियर एंड देयर. हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा. हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजंस के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं. यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें.